हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासिनेस विद उन्नति। होप आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से मैं भी एकदम ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, आपके सामने हूँ। पहले तो हम सो सॉरी गाइस, आई नो इट्स टू लॉन्ग टाइम और इसके लिए मैं कोई सफाइयां नहीं दूंगी, ये मेरी गलती है। मुझे आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे भी, मुझे यूट्यूब पे भी रिसीव हो रहे थे, मैम इट्स टू सो लॉन्ग टाइम, आप कहाँ गायब है, कोई मतलब वीडियोज नहीं पोस्ट हो रहे हैं, कोई अपडेट्स नहीं है। तो अब इसके लिए सफाई देना भी मतलब मुनासिब नहीं होगा, ये तो ये होगा गलती करके अपनी गलती पे पर्दा डालना, या आई नो इट्स माय फॉल्ट, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। बट यू नो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है, बस मेरी लाइफ में भी यार ऐसे ही कुछ था, बाकी इसके लिए आई एम सो सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी और बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी। फ्रीक्वेंटली आई पोस्ट माई वीडियोज क्योंकि मुझे घर वालों से, मेरे फ्रेंड से, मेरे लव वन से इतनी गालियां पड़ने लगी है मुझे, वेयर यू आर लॉस्ट, यू नॉट डूइंग योर जॉब और यू नॉट फोकस ऑन योर वर्क, आई नो इट्स माई फॉल्ट, तो दोबारा नहीं होगा, आई एम सो सॉरी। एंड आज जब इतने टाइम के बाद आए हैं तो मुझे लगता है बातें भी हमें बहुत सारी करनी चाहिए। मेरा तो मन करता है मैं बहुत लंबी वीडियो बना दूं इसे, बट इट्स नॉट पॉसिबल। आपको लगेगा इतने दिनों बाद आप एक ही बार में सारा कंटेंट डाल दिया। मुझे भी ना गाइस बहुत अच्छा लग रहा था जब आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और इंस्टा पे, यूट्यूब पे कमेंट्स के थ्रू, तो मुझे अच्छा लग रहा था, पता लग रहा था कि लोग मुझे प्यार करते हैं। एंड ये प्यार मैं चाहती हूँ बहुत 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 सारा बड़े, हमारी यूट्यूब फैमिली भी छोटी सी है, बहुत बड़ी हो जाए एक दिन, तो आप लोग अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो जल्दी बड़ी फैमिली हो जाएगी हमारी। एनीवेज, सो आज हम बात करने वाले हैं मेरे रिग्रेट बाय जो प्रोडक्ट्स मैंने पता नहीं क्यों लिए, तो दैट्स वीडियो इज माय रिग्रेट परचेज ऑनलाइन। एंड पता है क्या है, मैं भी हूं तो यूट्यूबर ही, बट दूसरे यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस होके और कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, पर बाद में लगता है ओ गॉड ये मैंने क्यों लिया, व्हाई आई वेस्ट माय मनी सो मच। सो इसमें बहुत सारा सामान है, थोड़ा थोड़ा सा ही है, बट बहुत महंगा भी कुछ नहीं है, सब बजट फ्रेंडली है। बट सीरियसली बता रही हूँ, ये जितने भी प्रोडक्ट मैंने लिए उनको लेने के बाद मुझे इतना गिल्ट हुआ, Why I buy this product? और इतना regret हुआ कि मुझे ये कभी लेने ही नहीं चाहिए थे, और इसीलिए ये गलती आप लोग ना करो, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। सो बहुत बातें हो गई है, माफी भी मांग ली है, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो पहले ही प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं, ये L'Oreal Paris का ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम, जो कि मेरे बालों में ऐसे कोई इसने रिजल्ट दिया नहीं। इसका बेस्ट जो मुझे लगा वो है इसकी फ्रेग्रेंस, और यू नो गाइस आई एम ए फ्रेग्रेंस एडिक्ट और लवर, मैड ऑन फ्रेग्रेंस। बस अगर मैं खुशबू के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो इट्स वेरी 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 फ्रिकिंग, ओ माय गॉड, इट्स अ हेल फ्रेग्रेंस और बहुत ही अच्छे हेल, नॉट इन बैड सेंस, मतलब मैं इसकी खुशबू सुन के पागल हो जाती हूँ। बट इसका जो फॉर्मूला है बहुत ही स्टिकी सा है, चिपचिपा करता है बालों को, यू नो ग्रीसी सा कर देता है, ऐसे लगता है आपने बहुत सारा ऑयल लगाया, और गलती से भी आपने इसके साथ कोई भी मतलब हीट प्रोडक्ट यूज कर लिया कि मतलब कर्ल्स बना लिया या इसको लगाने के बाद स्ट्रेटनिंग कर, तो वो रबर जैसा स्टिकी सा हो जाता है ना, वैसा आपके बालों में हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी मतलब मुझे बेवकूफी लगी, इसका प्राइस है 499 और मैंने इसे 8-10 बार यूज किया है, तो मेरी तरफ से बिग नो क्योंकि ये मेरे लिए उतना अच्छा काम नहीं किया। एंड सेकंड है ये मेरा आई शेडो पैलेट, इसका तो मैं क्या ही बताऊं मैंने क्यों ही लिए, मतलब यू नो होता है ना कि अब मैं क्या बोलूं, चिल होती है ना कि ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, बट इसमें कलर्स तो बहुत ही प्यारे हैं सारे, सी दैट, पर इसका पिगमेंटेशन इतना बकवास है और ये इतना चंकी सा इफेक्ट देता है और आंखों पे जाके ना बहुत मोटा जैसा आई शेडो हो जाता है। ये कुछ 250 समथिंग का था, नो हाँ इट्स 550 समथिंग, और आई थिंक इट्स टू मच फॉर दिस स्मॉल आई शेडो। और अगर मतलब अच्छी चीज है तो उसके लिए पैसे देने में यू नो दिल नहीं दुखता, बट इट्स नॉट वर्थेबल, इतना चंकी और केकी सा कर देता है ना ये आईज पे, 9 परफेक्ट कलर्स करके ये आई शेडो पैलेट है, बट इट्स नॉट वर्थेबल फॉर मनी, सो प्लीज डोंट बाय दिस। ये नायका और अमेजोन पे आपको मिलेगा, बट डोंट बाय दिस, इसमें वेस्ट ऑफ मनी। सो गाइज थर्ड इज ये रेवलॉन का ब्लश ऑन, इसकी हालत आप देख सकते हैं कितनी खराब है, एंड इसका जो प्राइस था वो भी 550 था एंड ये 7.5 ग्राम का था। बट इसके साथ ना मुझे एक प्रॉब्लम लगी कि एक तो इसकी हालत देखो इतनी गंदी हो गई ना, मैं बता नहीं सकती, इसकी बहुत ही बुरी हालत है बेचारे की,
और ये पता है मुझे लगता है जब कंपनीज इस तरह की चीजों में डील कर रही है तो जो इनका मतलब बेस और जो बनाते हैं इसको प्रॉपर से स्टिक क्यों नहीं करते। हम मैं मैक का लेती हूँ, मेरा मैक का कभी भी इस तरीके से बिखरता नहीं है, कितनी बारी मेरे से गिरा भी है तब भी ऐसा नहीं हुआ। तो मुझे लगा इट्स रिग्रेट एंड इतना लिया और मैंने शायद इसको एक बार ही यूज करा और ये गिरा भी नहीं था, ये पड़े पड़े कैसे क्रैक हो गया आई डोंट नो। तो मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस कि यार ऐसे कोई ना होता है। सो नेक्स्ट इज ये मेरा विक्टोरिया सीक्रेट का लिपस्टिक है एंड गाइस दिस लिपस्टिक इज टू मच एक्सपेंसिव, आई गेस 1500-1700 का ही लिपस्टिक है और ये इतना बकवास है, इतना बकवास है। और पता नहीं मैंने क्या सोच के कलर भी तो लिया था, मुझे समझ नहीं आया, बार्बी डॉल्स टाइप कलर, ओ शिट द कलर इज हॉरिबल मैन, मैं व्हाई शुड आई बाय दिस, पता नहीं कुछ तो मेरे दिमाग में उस टाइम चल रहा होगा। सो ये एक तो ये कलर मुझे बहुत ही बकवास लगा और इसे जब मैं लगाती हूँ ना तो ये मतलब ऑयली चिपचिपा और हर चीज के साथ ना कुछ भी खाओ कुछ भी करो तो उनके साथ निकल निकल के बाहर आता है। तो यार यू बाय 1700 का लिपस्टिक है ना और उसका फॉर्मूला अच्छा ही ना हो, चिपचिपा हो और हर जगह लग जाता है और ये फैलता है सारी जगह रायते के जैसे। सो आई डोंट लाइक कि, और मुझे तो अब हैरानी होगी कि मैंने ये कलर क्यों लिया, आई एम नॉट डार्क कलर पर्सन कि ऐसे वाइब्रेंट कलर में लगाती हूँ, मुझे तो यही समझ नहीं आया मैंने क्यों लिया। सो गाइज मैंने आपको बता देती हूँ, मैंने शायद पहले भी बताया था, मुझे विक्टोरिया सीक्रेट के परफ्यूम्स पसंद है, उसके बॉडी मिस्ट आते हैं और उसके आई गेस यू नो लॉन्ड्री सबको पता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसके बॉडी बटर्स भी आते हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट डोंट बाय दर्स लिपस्टिक क्योंकि मैंने 3-4 लिए थे, 2 मुझे फेंकने पड़े, ये मुझे मिल गया था तो मुझे याद था कि मेरे को जब अपना ये वीडियो बनाना है तो मैं इसमें आप लोगों को जरूर जरूर दिखाऊंगी, वेस्ट ऑफ माय मनी। कई बार मैं ना सोचती हूँ कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ बट मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ मुझे लगता है। सो नेक्स्ट इज ये वेट एंड वाइल्ड के काजल पेंसिल्स है, ये न्यूड में है एंड ये ब्राउन में है। ये काजल पेंसिल्स बहुत महंगे तो नहीं थे, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगी, शायद 145 या 175 के थे, पर ये ना इतने चमकी है और इतने बिगार है कि काम ही नहीं करते। मैंने जब जब इनको लगाने की कोशिश किया ना अपनी आईज में, यार ये लगते ही नहीं है और ये तो फिर अगर डार्क कलर लगाए तो टूट टूट के निकलता है। तो और मेरी आईज में क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी मैं ऐसा लगाती हूँ और वो मेरी आईज में इकट्ठा होता है तो मुझे स्वेलिंग आना शुरू होती है और मेरी आईज में पानी आना शुरू होता है। तो ये बहुत ही बकवास है, डोंट बाय देम, अगर किसी को कलर पेंसिल लेनी है तो ये तो बिल्कुल भी ना ले। और ये भी मतलब ऐसा मुझे लगा था कि इसका कलर बहुत अच्छा होगा, कई बार आप जब स्मोकी आईज करते हैं तो व्हाइट आई मीन न्यूड पेंसिल या व्हाइट पेंसिल लगाते हैं तो आईज और बिगर दिखता है, बट ये कुछ काम ही नहीं करता है, तो दैट्स ऑल्सो बिग नो फॉर माई साइड। एंड नेक्स्ट इज ये फेसिस कैनेडा का काजल है, मैंने शायद पहले भी आप लोगों को दिखाया होगा मेरे किसी वीडियो में। गाइज ये काजल है कि 600-700 का था और मुझे इसके साथ पता सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट क्या लगा, यार 400-500 के काजल भी ना बहुत अच्छा थे, देखो अभी भी गिरी गया बात करते करते, 400-500 कह रही मतलब 200-250-300 की रेंज में बहुत अच्छे काजल पेंसिल्स आते हैं, ये 600-700 का काजल पेंसिल है और इसके साथ ये स्मजर भी है, मतलब लगाओ और स्मज कर लो। मैं ये कंफर्म बोलती हूँ कि इसका जो ब्लैक कोल है वो सुपर ब्लैक है, सुपर डार्क है, अमेजिंग है, बट इसके साथ सबसे बड़ी और बकवास चीज क्या है कि ये जो ना इसी टूट टूट के गिरता है, अभी भी मेरे किसी पता नहीं किधर गया, अभी मेरे ड्रेस पे लगेगा गंदा कर देगा, सी दिस ये ऐसे टूट टूट के निकलता है यार, व्हाट द हेल इज दिस। मुझे लगता है कि इन लोगों को जो पैकेजिंग है वो उस तरह की रखनी चाहिए जैसे के ब्यूटी का काजल आता है, मेबलिन का आता है, उस तरह का कुछ रखना चाहिए, और ये तो बकवास है, इसको शार्प करो अंदर से ही इसका जो कोल है वो टूट टूट के बाहर निकलता है, एंड वेस्ट ऑफ मनी। और इस काजल के साथ सबसे बड़ी जो मुझे लगती है ये बहुत ज्यादा ड्राई है, इतना ड्राई है, इतना ड्राई है कि जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो ये अप्लाई करते करते इतना ड्राई हो जाता है कि आप उनने कभी छोटे छोटे यू नो छोटे छोटे से आपके स्पॉट्स हो जाते हैं, वो इकट्ठे होके निकलते हैं साइड में, ये ऐसा हो जाता है यार, और ये बहुत ही बहुत हार्श हार्श करता है आईज में। इसका ब्लैकनेस के लिए बोलूं तो इट्स सुपर ब्लैक बट इट्स वेस्ट ऑफ मनी। तो ये फेसिस कैनेडा का काजल है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, डोंट बाय दैट्स, बिग नो फॉर माई साइड। ओके लिपस्टिक्स में पता है मुझे किसी लिपस्टिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने ये कलर्स क्या सोच के लिए आई डोंट नो।
सो ये मिस क्लियर का लिपस्टिक है, सॉफ्ट मैट लिप क्रीम, और शेड नंबर इज 28, इसका नाम भी कुछ होना चाहिए आई गेस। और ये लिपस्टिक आई गेस बहुत महंगा नहीं था, इज जस्ट 300-400, बट मेरे को लगा था कि इसका जो लगाने के बाद फॉर्मूला होगा वो थोड़ा ड्राई हो जाएगा, और ये शेड जब मैंने उसमें देखा था तो मुझे न्यूड पिंक दिख रहा था, और ये भी कुछ ऐसा सा शेड आया बारबी डॉल टाइप्स, तो मुझे ऐसे कलर्स ना अजीब ही लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। ये नहीं होता बारबी डॉल पे डार्क पिंक लगा दिया, नीली आंखें कर ली, ये वैसे वाले कलर्स है, सो आई डोंट लाइक देम। सो मुझे लगा था ये न्यूड पिंक शेड है, ये शेड इस तरीके का आया, तो मैंने इसे जिस दिन आया उसी दिन थोड़ा सा अप्लाई किया, उसके बाद मैंने इसे आज तक नहीं लगाया, और ये भी बहुत चिप 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 करता है लिप्स पे। मुझे लिपस्टिक्स पसंद है जो लगाने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाए और मैट फिनिश में आ जाए, मुझे चमकी चमकी से और चमकीले टाइप से लिपस्टिक ना बिल्कुल भी नहीं पसंद, आई टेल यू बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो इट्स ऑल्सो माई रिग्रेट बाय, पता नहीं मैंने क्या सोच के ये सब कलर लिए था, आई एम सो फ्रीकिंग कंफ्यूज पर्सनैलिटी मे बी। ओके सो नेक्स्ट इज दिस रिमेल लंडन का 24 आवर ड्यू मैट अल्टीमेट प्रो काजल। ये काजल इतना तो महंगा है ना गाइस, 800 रुपए का ये काजल है, और इतना बकवास काजल है, इतना बकवास काजल है। ओह ले देखा, मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, ये टूट टूट के सब गिरते रहते हैं। ये इतना ड्राई एंड इतना बकवास इसका फॉर्मूला है, और सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल भी ना ब्लैक नहीं है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, इट्स नॉट वर्क, सी ये काम ही नहीं करता है यार, सी मेरे को तो ये हैरानी होती है कि मैं क्या सोच के। और जब मैंने लिया था ना, मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि तुमने इतना महंगा ये काजल लिया है, इसको यूज क्यों नहीं करती हो। मैं अगर उनको ये बता दूं ना मैं क्यों यूज नहीं करती, ये काम ही नहीं करता है सीधे, कुछ लिखने के लिए काम आ जाए ये तो वो भी काम नहीं करता। तो इट्स बिग 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 नो फॉर माई साइड, प्लीज डोंट बाय दिस काजल, ये बहुत ही बकवास है। इसे तो मैंने ये वीडियो बनाने के बाद डस्टबिन में ही डालने वाली हूँ, कुछ उम्मीद होती ना कि थोड़ा बहुत कुछ इसको रिक्रिएट कर लेंगे या कहीं यूज कर लेंगे, इसको तो मैं वो भी नहीं करने वाली। तो इट्स बिग 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 नो फॉर माई साइड, प्लीज डोंट बाय दिस रिमेल लंडन का काजल, बकवास एकदम। नेक्स्ट इज ये मेरा एवन का लिप बाम है। आई गेस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि मैं एवन का लिप बाम रेगुलर में लगाती थी। गाइज इस लिप बाम के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम है ऐसे कुछ नहीं है, हाँ इसका SPF 30 है और ये भी 900 समथिंग का लिप बाम है, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि एक तो इसका जो फॉर्मूला है वो मतलब आपको डार्कनेस आपके लिप्स को होने से बचाता है, चैप्ड अच्छा काम करता है हर चीज है, बट मुझे लगता है फॉर दिस लिप बाम 900 इट्स टू मच मैन। और इसका जो सब्स्टिट्यूट मेरे पास है वो सीवा मेट का है, मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, इससे बेटर सीवा मेट का काम करता है। आपको 900 का लिप बाम लेने का आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थेबल, सो प्लीज डोंट बाय दिस, मेरे जैसे बेवकूफ मत बनो। हालांकि ये मैंने किसी के रिकमेंडेशन पे नहीं लिया था, मतलब किसी से इन्फ्लुएंस होके नहीं लिया था, ये मेरे को मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। आई एम सो कंफ्यूज, वो मेरे स्किन डॉक्टर थी, तो मुझे लगा कि अगर उनको सजेस्ट करना था तो सीवा मेस इज मोर बेटर देन दिस, क्योंकि 900 का लिप बाम लेना इट्स नॉट वर्थेबल रेगुलर में, और ये थोड़ा सा चिप 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 टाइप्स है, सीवा मेट वाला आपको बिल्कुल भी चिप चिपा फॉर्मूला नहीं लगेगा, एंड इट्स लाइक ओके फॉर स्किन, और मतलब ओके फॉर माय लिप, और ये मेरे लिप्स को बहुत चिप 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 कर देता है। और बस हाँ मैं इसका बोलू फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला बोलू तो ठीक ठाक है, और इसका जो बोलते हैं SPF 50 ये आपके लिप्स को ब्लैक होने से रोकता है, हाँ डेफिनेटली रोकता है, और बट डोंट बाय दिस यार 900 का लिप बाम, नो 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 नो। सो द नेक्स्ट इज मेरे पास लिपस्टिक्स का भंडार है, और नेक्स्ट इज ऑल्सो ये द बॉडी शॉप का लिपस्टिक है, और इट्स कॉस्ट मी अराउंड 1000, और ये लिपस्टिक इतना बकवास इसका फॉर्मूला है, इतना बकवास। पहले तो ना आज जितने भी लिपस्टिक है सारे पिंक फैमिली से है, क्योंकि मुझे पिंक न्यूड कलर बहुत पसंद है, ये इसका कलर है, हाँ क्वाइट ओके कलर इज गुड, बट ये इतना बकवास है इसका फॉर्मूला, और ये भी मतलब वही आपके लिप्स को ग्रीसी सा चिपचिपा सा कर देगा। सो मैंने कहा, और ये लिप्स पे आके आपको लगेगा कि आपने लिपस्टिक वेयर किया, बहुत यू नो कभी कभी लगता है वी वेयर समथिंग हैवी ऑन लिप्स, ये ऐसा वाला आपको इफेक्ट देगा, और बार बार
निकलता है, मतलब इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग, इट्स कॉस्ट मी 1000. तो मैं दोबारा कभी ना, मैंने ये शायद सेकंड थर्ड मेरा द बॉडी शॉप का लिपस्टिक है, उनके स्किन केयर बहुत अच्छे हैं, उनके ऑयल बहुत अच्छे हैं, उनके बॉडी शावर बहुत अच्छे हैं, बट उनके लिपस्टिक एंड उनका मेकअप रेंज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो आई नेवर बाय अगेन. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज स्विस ब्यूटी का ये डिओ ग्लो, मतलब ये बॉडी पे भी लगा लो या बिफोर मेकअप आपको अपने फाउंडेशन में मिक्स करके लगाना है तो लगा सकते हैं. इसका ज्यादा प्राइस भी आई गेस 300 समथिंग था, हाँ 350 इसका प्राइस था. इसके साथ मुझे पता है प्रॉब्लम क्या लगा गाइस, सी ये ना इतना ज्यादा चंकी है, इतना ज्यादा चंकी है, पता नहीं बहुत लोग इसकी तारीफ करते हैं पर मुझे ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा. मैंने जब भी इसे अपने फाउंडेशन में मिला के लगाया या पहले लगाया, इसने मेरे फेस को बहुत ही केकी सा और चंकी सा कर दिया, मेरे को ये बिल्कुल भी अच्छा इफेक्ट नहीं दिया. तो इसके साथ हाँ, पर मैंने एक काम किया, आप इसको फेस मेकअप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते. और इसको अगर मैं बोलूँ तो आप अपने मतलब कोई भी बॉडी लोशन लो, उसमें डाल के या उसमें मिक्स करके लगा सकते हो, तो ये आपकी बॉडी को एक शाइन देगा उसके लिए, विच इज वेरी गुड. बट डोंट अप्लाई ऑन योर फेस, क्योंकि फेस मेकअप को चमकी और ड्राई कर देता है, मतलब नॉट चिपचिपा, ग्रीसी ग्रीसी सा, ड्राई ड्राई सा दिखाएगा. तो मैंने एक ही बार ट्राई किया तो मेरे पैचेस से आना शुरू हो गए थे जहां जहां ये था, तो मुझे लगा कि बकवास है फेस के लिए. बट इसको एट द सेम टाइम कुछ टाइम बाद मैंने अपने बॉडी लोशन में लगा के अपनी बॉडी पे इसको अप्लाई किया, तो इट्स गुड ऑन माय बॉडी. ये बॉडी लोशन के साथ बहुत अच्छा काम किया, मतलब यू नो बड़ा अच्छा सा फिनिश और शाइन दे रहा था बॉडी को, तो ये बहुत अच्छा, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हो, बट डोंट यूज फॉर योर फेस. तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि बिग नो फॉर दिस, अगर आपको अपनी यू नो वो बॉडी ल्यूमिनेटर्स होते हैं और शाइनिंग के लिए चाहिए तो उसके लिए यू कैन यूज दिस. तो मैं भी जब मुझे लगता है अगर पार्टीज में जाना कुछ जाना तो यू नो थोड़ा सा बॉडी शाइन करना, तो उसके लिए आई यूज दिस. सो द नेक्स्ट इज ये आईलैशेस कर्लर है, ये ब्रांड आई डोंट नो कौन सा है, और ये मैंने लिया था आई गेस 400-500 समथिंग का. आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे आईलैशेस कर्लर्स में रबड़ होते हैं, ठीक है, और इसके साथ भी आए थे. ये इतना गंदा है ना, इतना गंदा है कि एक तो ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसका प्रॉपर से वो नहीं है, एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है कुछ, इसका मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है मुझे तो ऐसा लगता है. और इसको जब भी मैंने किया ना, इसने मेरी यहाँ ये जो लैश लाइन होते ना उसको इतनी बुरी तरह नोच लिया कि इसको तो मैं ना अभी फेंकने वाली हूँ. सो मैं पर्सनली बोलूँ, मैं आईलैशेस कर्लर पर्सन हूं भी नहीं कि मुझे कर्ल करने हैं कुछ करने, मैंने बस मस्कारा लगाया, दैट्स इट. मैं आईलैशेस भी बहुत कम वेयर करती हूँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया. सो इट्स बिग नो फॉर माई साइड. और इसका जो भी ब्रांड है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगी. सो द नेक्स्ट इज, आपको लगेगा कि इस लड़की ने कितने लिपस्टिक्स लिए. द नेक्स्ट इज ये लैक्मे एब्सोल्यूट का लिप ग्लॉस है, और 300 इसका प्रोडक्ट क्वांटिटी है, और इसका प्राइस था 700. यस 700 का ये लिप ग्लॉस था. बट गाइज इसके साथ पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, इसे लगाने के बाद ना मेरे लिप्स अजीब से दिखते हैं, बहुत ही गंदे से. सी दिस, ये इसका फॉर्मूला है, न्यू शेड में है. मतलब मैंने ये इसलिए लिया था कि किसी भी लिपस्टिक के साथ ऊपर लगाऊंगी तो मतलब थोड़े लिप्स पाउटी और प्लम लगते हैं जब भी आप लिप ग्लॉस ऊपर से अप्लाई करते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट ये जितना भी अच्छा लिपस्टिक आपने ब्रांड का लगाया, ये खुद तो जब आप बात करते हैं कुछ करते हैं खुद तो निकलता है, साथ में वो लिपस्टिक का शेड भी गंदा कर देगा आपका. बहुत ही ऑयली फॉर्मूला है, मैंने जब इसे एक दो बार लगाया तो लिटरली ऐसे इधर उधर से ऑयल बहने लगा था, तो एम्बेरसिंग फील होता. डोंट बाय ऐसे वाले लिप ग्लॉस जो लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी ना हो. पता है आपको, मैं अभी जब वीडियो ये डालूंगी ना तो मेरी मम्मी मुझे इतना सुनाने वाली है, टेल यू बहुत ज्यादा सुनाने वाली है. नेक्स्ट इज ये शिप्ला का है, सेलिसेटिक एसिड डीएस, एंड इट्स अ फेस वॉश. मुझे पता नहीं किसी ने रेकमेंड किया था या क्या किया था, मैंने ये क्यों लिया. 450 का ये फेस वॉश है, 100 ml का प्रोडक्ट क्वांटिटी है. तो मुझे शायद किसी ने कहा था ये स्किन को बहुत सॉफ्ट एंड नरिश करता है और हाइड्रेटेड रखता है. मेरे साथ ना इसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं किया ना, मेरी स्किन को इसने हाइड्रेटेड रखा है, ना नरिश किया है, ना शाइन किया. शाइन तो खैर कोई भी फेस वॉश नहीं देता, एक सडन ऑफ टाइम आपने फेस वॉश किया तो फेस अच्छा लगता है, बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. मैं ना पता है क्यों दूसरों के फॉर्म, और इसका इसको ऐसे किया और ये फोम आ जाता है. वैसे मुझे ये सब पंगे अभी नहीं करना चाहिए,
सीधा 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 ये फोम आ जाता है। मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा, मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने एवन के फेस वॉश से बहुत बहुत खुश हूँ, मेरे को ये नए नए एक्सपेरिमेंट करने नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। ये किलराज प्लस का क्रीम है जो ऐसा क्लेम करते हैं कि जो भी हमारे फेस पे स्पॉट और डार्कनेस एंड पिगमेंटेशन हो जाती है उसको खत्म करते हैं, और जो जो भी पिंपल के स्पॉट रह जाते हैं उसको खत्म करते हैं। तो ये मैंने यूज किया है, ठीक है, एक पहले मैं खत्म कर चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया मैं कोई भी प्रोडक्ट लेती हूँ तो उसके साथ एक पहले पूरा देखती हूँ, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि ये मेरी स्किन पे नहीं काम किया है, उसके बाद ही मैं उसका कोई रिजल्ट देती हूँ, ऐसे ही नहीं देती। तो ये सच्ची में मेरी स्किन पे कोई काम नहीं किया, कोई एक दो पिंपल के स्पॉट्स थे तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं कवर कर पाया। और इसका जो प्राइस है वो था 350, और पता नहीं ये डॉक्टर रेड्डी का है और लोग क्लेम करते हैं कि ये स्पॉटलेस स्किन बनाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी मेरी स्किन के साथ इसने नहीं किया, तो फ्रॉम माय साइड इट्स बिग नो। एंड नेक्स्ट, ओ गॉड, इट्स लाइक, मतलब कहते ना हॉरिबल परचेज ऑन माय लाइफ, दैट इज दिस। ये है लेनबान का टिथ व्हाइटनिंग एसेंशियल ऑयल और व्हाटएवर यू कॉल्ड। तो मेरे को बड़ी बीमारी थी, क्योंकि पहले जब मैं अपना प्रॉपर अपनी मॉडलिंग में थी तो मैं पहले अपने टीथ वाइटनिंग एंड ब्लीच प्रोसेस करवाती रहती थी, फिर यू नो आफ्टर सडन ऑफ टाइम मैंने वो बंद कर दिया। क्लीनिंग मैं करवा लेती हूँ बट मैं ये टीथ वाइटनिंग वाला प्रोसेस नहीं करा। तो मुझे किसी ने रेकमेंड किया कि आप ये ले लो, और ये जाके मैंने अमेजोन से बाय कर लिया। इसका प्राइस था 750। ये लेनबेना का टिथ व्हाइटनिंग एसेंशियल ऑयल बोले या व्हाटएवर कुछ भी, यार ये इतना बकवास है, इतना गंदा है गाइज, इतना गंदा, आई टेल यू। इसने मेरे सारे लिप बर्न कर दिए थे, बर्न लिटरली इतने बड़े हो गए थे। वैसे तो मैं लाइफ में सोचती थी कि मैं लिप पाउटिंग या कुछ कराऊंगी या लिप जॉब कराऊंगी, बट इसने एक विद इन अ 10 मिनट्स इसने मेरे लिप जॉब कर दिया था, और इतने खतरनाक किए थे कि सारे लिप्स मेरे बर्न हो गए थे, ना मैं कुछ खा सकती थी ना कुछ पी सकती थी। सो प्लीज ऐसी चीजें किसी भी अनाड़ी के कहने से मत लें, जब आपको आपका डेंटिस्ट या डॉक्टर सजेस्ट करे तभी करें, ये बिल्कुल भी मत लेना गाइस, बिल्कुल भी मत लेना। हालांकि उन्होंने बताया कि टूथ अपना ईयरबड जो था उसमें डाल के क्यू टिप से लगाना है, सब किया मैंने, सब ड्रामेबाजी की, पर जो जब मुंह में वाटरिंग होता है, आपके माउथ में वाटरिंग होता है, उसके साथ ही बहुत जलता है, और जलने के बाद आप उसको मतलब धूप स्पिट करते हैं तो ये उसमें जब साथ तो आती है तो स्किन पे तो लगे गई ना डेफिनेटली, तो जितना भी मेरी स्किन पे स्पिट के साथ आया बाहर, और इट्स बर्निंग माई लिप्स लाइक अ हेल। सो डोंट बाय दिस, एंड बिग 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 नो फ्रॉम माई साइड, कोई भी प्लीज मत लेना इसे। सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज ये पैक कॉस्मेटिक का है, आई शेडो प्राइमर बोलेंगे या इसको क्या बोलेंगे, ये जो अपना हम लोग ग्लिटरी आईज करते हैं उसका ग्लू बोल सकते हैं, इस तरीके का कुछ। पर इसके साथ मैं क्यों डिसअपॉइंट हूँ गाइस, ये 600 रुपए का है पहले तो, ठीक है, मैंने इसे 2-3 बार यूज किया। तो इसको बोलते हैं कि ऐसे लगा के फिर आप जो भी अपना स्पार्कल और व्हाटएवर उसको जो बोलेंगे वो उसके साथ अगर आप स्टिक करते हैं तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा कर देता है जैसे वो पपड़ी पपड़ी टाइप से आ जाता है ना, प्राइमर बोलते हैं इसको, तो ये बिल्कुल प्राइमर वाला कोई काम नहीं करता, इतना गंदा हो जाता है इसके बाद लगाने। तो जो भी आप पिगमेंटेशन लगा रहे हैं, जो भी कलर्स आप यू नो स्पार्कल्स लगा रहे हैं, तो उसको इसके साथ लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अप्लाई करो, सॉर्टेड है ये। सो बहुत सारे तामझाम करने की जरूरत नहीं, जितना मेकअप को आप मिनिमम और जितना लेस रखो, ये जो बहुत सारे ड्रामेबाजी होते हैं ना, ये सब बहुत अच्छे बड़े मेकअप आर्टिस्ट कर सकते हैं, हम लोगों को नॉर्मल मेकअप करना तो इसके लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं जैसे मैं करती हूँ। सो प्लीज डोंट बाय दिस, इट्स वेस्ट ऑफ मनी, टोटली वेस्ट ऑफ मनी। सो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट, और माय बास्केट इज एम्प्टी नाउ। सो गाइज, ये थे जितने भी प्रोडक्ट थे मैंने आपको दिखा दिए, तो इनमें से प्लीज मेरी पर्सनली अगर मैं आपको बोलूं तो कोई भी मत बाय करना। अगर आपको फिर भी थोड़ी सी भी ऐसे लगता है ना, अरे नहीं यार कोई तो एक चीज होनी चाहिए ना उन्नति, तो यू कैन बाय दिस ओनली, ठीक है। तो आप इसको यूज, क्योंकि ये बहुत महंगा भी नहीं है, और आप इसको एज अ बॉडी लोशन में लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनमें से कोई भी चीज दोबारा अगर किसी के पास भी हो तो बस फेंक देना उठा के, एकदम बकवास इनका फॉर्मूला। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कोई इंजॉय किया होगा, और प्लीज गाइज आई एम मतलब मुझे माफ कर दो इतने लंबे टाइम के बाद आने के लिए, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं कितना भी बोल लूँ कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ सफाई देने का कोई फायदा नहीं है, इट्स माई फॉल्ट, आई एम सो सॉरी, और आगे से मैं ध्यान रखूंगी, रेगुलरली आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूंगी। आई होप आप लोगों की ये वीडियो काम आएगा, आप लोगों के पास यूजफुल हो, जिनको ये सब लेना हो वो ना ले ये वीडियो देख के।
एंड मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। वैसे तो मैं ये बोलने की बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड मेरे चैनल को जितना ज्यादा हो सके उतना प्यार कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी फैमिली छोटी छोटी को बड़ी 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 करते जाइए। और आगे से मैं अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं डालूंगी, जितनी कोशिश होगी, और कोशिश नहीं, डेफिनेटली इट्स कमिटेड टू यू कि मैं वीक में नहीं तो 15 दिन में डेफिनेटली आप लोगों से मिलती रहूंगी। प्लीज मुझे प्यार देते रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय गाइज, ओके बाय बाय, टेक केयर गाइज।